हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस गर्मी का मौसम में बाहर जाते काम के लिए। अदर्स अलग अलग काम पे जाते हैं, जो डेली जॉब करते हैं उन लोग भी बाहर निकलते हैं, तो कैसा होता है हमारा जो बॉडी है काला हो जाता है, वो हाथ का कलर चेंज हो जाता है, पाँव का कलर चेंज हो जाता है, गले का कलर चेंज हो जाता है। हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं लेकिन क्या हो जाता है, स्पॉट आ जाता है फ्रेंड्स, और उसके लिए बहुत पैसा भी खर्चा करना पड़ता है और समय। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं यही शेयर करूंगी जो हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है जो काला हो जाता है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी घर के सामानों से, अलग से कुछ खर्च करने का जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले एक बाउल लिया, उसके अंदर एक शैम्पू डालने का है। आपके पास जो भी कंपनी का रहे आप वो ले लीजिए, मेरे पास इस कंपनी का था इसके लिए मैंने यही लिया, और जितना क्वांटिटी बनाने का है उसके हिसाब से शैम्पू लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, लेने का एक नींबू, जो नींबू में थोड़ा रस ज़्यादा रहता है उसके हिसाब से एक नींबू ले लीजिए। तो मैंने एक पूरा नींबू ले लिया फ्रेंड्स, और पूरा निचोड़ लिया, अच्छे से निचोड़ा, क्योंकि नींबू का रस बहुत बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद चाहिए तीसरा कोलगेट, जो कोलगेट मेरे पास कोलगेट था इसके लिए कोलगेट लिया एक चम्मच। आपके पास जो भी कंपनी का रहे लेकिन उसका पेस्ट जो व्हाइट रहेगा तो बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स, इस पर ध्यान दीजिए। और एक इनो, इनो का हाफ, इनो का जो पैकेट में रहता है, पूरा इनो का लेने का ज़रूरत नहीं, हाफ ले लीजिए। लेने के बाद इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने का फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मिक्स करने का। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उसका जो एक क्रीमी भाव आ जाएगा, जितना क्रीमी होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बहुत क्रीमी क्रीमी। और ये है देखिए, पाव में देखिए टैन कितना आया है, पूरा काला काला हो गया पूरा पाव, पूरा देखिए अच्छे से देखने को मिलेगा आप लोगों को, पूरा जो उसमें काला काला स्पॉट आ गया पाव के अंदर। चाहे इस गर्मी में फ्रेंड्स क्या हो जाता है, बहुत टैनिंग आता है, चाहे बड़े का हो चाहे बच्चे का हो, इतना ध्यान नहीं दे पाने के वजह से ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, चाहे कितना भी ध्यान दे लेकिन होता ही है। तो कितना काला काला हो गया फ्रेंड्स, इसके लिए मैं पहले अच्छे से इसके ऊपर लगा लेती हूँ ये पेस्ट को, उसके बाद सिर्फ पाँच से दस मिनट रखूँगी, लेकिन आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम रहे थोड़ा 15 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद आपको खुद 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें भी देखने को मिलेगा कि कितना अच्छे से क्लीन हो रहा है। तो देखिए, मैंने पहले अच्छे से लगा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को रिमूव करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले कितना काला काला स्पॉट था, अभी कैसे, मतलब मैंने सिर्फ 5 से 7 मिनट ही रखा, ज़्यादा टाइम नहीं रखा क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का था बोल के, कितना अच्छे से क्लीन हो गया। सचमुच बहुत टैन रिमूव करता है, घर कई चीज़ें बाहर से कुछ खरीदने का ज़रूरत नहीं होता है फ्रेंड्स, घर पे ही रहता है। इसके बाद दूसरा दिखाऊंगी मैं जो गले का, देखिए गले पे भी कितना टैनिंग आता है फ्रेंड्स, पूरा काला काला हो जाता है। क्योंकि एक तो क्या हो जाता है, गले का साइड पे हम लोग चाहे टी शर्ट पहने चाहे कोई भी कपड़ा पहने, धूप दिखता ही है, मतलब उसके ऊपर धूप आता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरा काला हो जाता है गला, बहुत ज़्यादा टैनिंग होता है गले पर। तो मैं इधर भी अच्छे से लगा लूँगी, लगाने के बाद आप लोगों को रिमूव करके दिखाऊँगी कि इधर से भी कैसे टैन रिमूव हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मैं बहुत कम टाइम रखा, सिर्फ 5 मिनट ही गले पे रखा, देखिए पहले कितना काला काला था, लेकिन अभी देखिए उसका बहुत अच्छे से टैन रिमूव हो गया। सच में फ्रेंड्स, हफ्ते में एक बार करेंगे ना पूरा टैन चला जाएगा।